मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गैंगस्टर विक्रम राणा का पुलिस ने जुलूस निकाला। विक्रम राणा ने जिस जगह पर गोली चलाकर दहशत फैलाई थी, पुलिस ने उसी जगह पर उसका जुलूस निकाला और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। दरअसल राजस्थान की धौलपुर जेल में आर्म्स एक्ट के मामले में बंद हुए बदमाश विक्रम राणा को ग्वालियर की मुरार पुलिस प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई। बीते 21 अगस्त को रणजीत जाट नाम के युवक को विक्रम के एक गुर्गे ने चैलेंज करके ऋषि गालव स्कूल के पास मिलने के लिए बुलाया था, जहां दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद बदमाशों ने रणजीत की घेर कर मारपीट की थी। इस दौरान विक्रम राणा भी वहां पहुंचा था। उसने पिस्टल से फायर किया था, जो गोली रणजीत के पैर में लगी और वह घायल हो गया था। पुलिस ने मामले में हत्या के प्रयास की FIR दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से ही विक्रम फरार चल रहा था। पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही थी। इस दौरान धौलपुर में वह आर्म्स एक्ट के मामले में पकड़ा गया। इसके बाद ग्वालियर पुलिस उसे प्रोटेक्शन वारंट पर ग्वालियर लेकर आई और ग्वालियर के उस इलाके में ही लेकर पहुंची, जहां उसके द्वारा गोली चलाई गई थी। पुलिस वारदात की पुष्टि के लिए बदमाश विक्रम राणा को पैदल लेकर वहां पहुंची और उसका जुलूस निकाला। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट।